लंबा जर्नी रहा है ये जो ग्रुप है, हम साथ में ऑलमोस्ट 10-12 ईयर्स से है। एंड बहुत ही छोटे लेवल से जो वसे नाला सुपर की गली के जो डांसर्स है वैसे उस तरीके से हमने शुरुआत की। एंड उस ज़माने से कर रहे हैं हम लोग, जब ना कोई स्मार्टफोन्स था, ना कोई इंटरनेट था, ना कुछ था। एंड उस ज़माने से हम लोग करते आ रहे हैं। एंड बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेन लाइफ में सहा है। एंड बट स्टिल हम लोग जिस तरीके से मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे आज, इसीलिए यहाँ पर हम लोग एज अ वर्ल्ड चैम्पियंस। सर, पूरे टीम की एक मेहनत होती है, तो उस टीम में कितना सपोर्ट मिला है आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? ऑफकोर्स ये टीम है, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो किसी भी ये मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टीम का बनना बहुत आसान है, बट उसको सस्टेन करना और लंबा चलाना बहुत डिफिकल्ट है। बट आई बिलीव आई हैव बेस्ट पीपल अराउंड मी, जिन्होंने मेरे में इतना फेथ रखा, मेरे में वो बिलीव रखा कि किसी दिन मैं उनकी लाइफ बनाऊंगा, किसी दिन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करूंगा इनको। तो इसीलिए हम एक साथ है। एंड हम लोग ये सर स्टूडेंट जैसा रिलेशन नहीं है, हम लोग दोस्त के जैसे है। नो डाउट आई लीड, बट हम लोग सब एकदम दोस्त की तरह है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि सर जैसा रहता उनके साथ। सो वो जो बॉन्ड है हमारा बहुत स्ट्रांग है। एंड वो बॉन्ड है जो बोलते ना, हम लोग को सारे मुश्किलों को और जितने भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं उसको फेस करके हम लोग ओवरकम करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आज वर्ल्ड में आपने नाम ऊंचा किया है अपने देश का, तो ये फीलिंग कैसी होती है जब बाहर जाके कुछ आपको एक अपने देश का एक नाम गर्व जब हो रहा है? बहुत ही ऑफकोर्स ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है ये जो चीज़ हमने अचीव किया है। बहुत अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि ये जो हमने अचीव किया है इसके बाद पूरी दुनिया जानेगी इंडिया क्या है और इंडिया के डांसर्स क्या जगह पर स्टैंड करते हैं। तो ये जो अचीवमेंट है, ये जो अचीवमेंट है ये सिर्फ द किंग्स का नहीं है, बट ये पूरे इंडिया के लिए है, क्योंकि ये पहला फर्स्ट एवर डांस का कोई टाइटल है जो इंडिया जीता है, वो भी दुनिया के सबसे बड़े डांस स्टेज में, जो कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म में नहीं है बट सारे डांस फॉर्म में और सारे डांस कैटेगरीज में। सो ये जो है ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है। और जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, लाइक 100 स्कोर जो किसी को मिलता नहीं है, एंड हमने उस लेवल पर जो जाकर जिस लेवल पर मतलब बोलते ना जो जिस तरीके से हम जीते हैं वो दुनिया हमेशा याद रखेगी। एंड आई एम श्योर कि मतलब ये जो हमने अचीव किया इसके बाद पूरी दुनिया में ऐसा कोई डांसर नहीं होगा जो द किंग्स को ना जाने और इंडिया को ना जाने। सर, आज है, सर आज जो है वो ग्रुप जो डांस आपका है, ये कितने लोगों का ग्रुप है? दूसरा ये कि आज एक जब कोई डांसर बनता है तो कुछ क्लास खोल के बैठते हैं, बट आपने कहीं पे अपनी मतलब कोई क्लास चला रही ये है कि जो लोग देखो हमने खुद ने तो कभी किसी से सीखा नहीं है, मैंने भी नहीं सीखा है, इन्होंने भी नहीं सीखा है, बस हम लोग एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे के साथ सीखे हैं। बट हाँ, हम लोग की इंडिया की सबसे बड़ी डांस एकेडमी है जो हमारे होम टाउन में है, वसई में है। एंड वेरी सून वी आर ओपनिंग इन अंधेरी एज वेल एंड ऑल ओवर इंडिया। एंड ये जो ग्रुप है टोटल ऑलमोस्ट मोर देन 20 डांसर्स है। एंड या मतलब जब भी शुरू किया था तभी सब ऑलमोस्ट 13-14 साल के बच्चे लोग थे, एंड मैं भी कुछ 18-19 साल का था, एंड तब से लेके अब तक हम साथ में हैं। सो या बेस्ट मेमोरी वाज हम लोग ने जब हमारा फर्स्ट राउंड जब हमने क्लियर किया था एज अ टॉप स्कोरर, उसके पहले सिचुएशन कुछ और था। उसके पहले किंग्स को कोई जानता नहीं था, मतलब क्या है किंग्स यूनाइटेड, कौन है, किसी को पता नहीं था, सिर्फ इंडिया में हम लोग नोन थे। बट वो जब पहला राउंड हुआ उसके बाद से जो दूसरे राउंड पे था हम लोग वहाँ पर रूल कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर लिटरली एज अ किंग्स जी रहे थे। लोग हमसे डरते थे, लोग हमको देखने के लिए तड़पते थे। एंड जब हमारा परफॉर्मेंस होता था तो पूरा प्रोडक्शन टीम, पूरे कंटेस्टेंट, सारे के सारे जितने भी गोरे हैं सब राउंड बना के बैठ के देखते थे। और सबसे पहले तो वी ऑल नो के जेनिफर लोपेज़ हैज बीन द जज ऑफ वर्ल्ड ऑफ डांस, शी हरसेल्फ इज अ ब्रिलियंट डांसर। उनके सामने जब आप डांस कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, व्हेन शी लॉस्ट हर शू एंड द फाइनल परफॉर्मेंस जब उसकी विग निकल गई, शी आल्सो कमेंटेड, हाउ डज इट फील टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ दीज ह्यूज जजेस, ऑल्सो स्पेसिफिकली जब आपका कल्चर वहां लेके गए थे, आपके सारे रिमिक्स थे, देयर वाज रणवीर सिंह सॉन्ग्स, देयर वाज एआर रहमान सॉन्ग्स, सो इन अ वे यू नॉट लिविंग द किंगडम व्हिच यू आर टेकिंग अलोंग विद यू, कैसा था वो फीलिंग? सबसे पहले जेनिफर लोपेज़, शी इज अ ग्लोबल स्टार, उसने दुनिया देखी है, उसने मतलब शी बिलोंग ऑफकोर्स वो यूएस से बिलोंग करती है, उस जगह पर मतलब दुनिया के बेस्ट डांसर्स लोग आके कॉम्पीट करके जा चुके हैं। एंड शी इज़ अ ग्लोबल स्टार, उसने सब कुछ देखा है, सारे डांस फॉर्म देखे, सारे डांसर्स देखे। बट जब उन्होंने हमारे परफॉर्मेंस को देख के जो शो जो सिचुएशन हुआ वो
इतना हम लोग के लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि वो जेनिफर लोपेस खुद ने कहा कि दिस इज द फर्स्ट एवर टाइम दैट शी इज डूइंग समथिंग लाइक दिस. मतलब लिटरली शी हैज अ ओन डांसर, हर ओन डांसर जिनके लिए उसने आज तक कभी नहीं किया, बट शी इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ कि मतलब उसने इतना आउटस्टैंडिंग कोई चीज देखी, इसीलिए उसने वो शू फेंका एंड हम लोग को उस तरीके से ऑनर किया. सेकंड क्वेश्चन ये है कि ऑल योर परफॉर्मेंसेस ऑन एन एवरेज इट वाज ऑल अबाउट 97 द फाइनल्स वाज 100 100 100 हर एक परफॉर्मेंस के बाद ऐसा एक भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ दैट ऑल द थ्री जजेस हैव गॉटन अप ऑल द टाइम योर परफॉर्मेंस हैज एंडेड तीनों ने स्टैंडिंग अप्लॉज किया. एंड सेकंड थिंग इज आपके जो जंप्स के एलिवेशन थे दे ऑल मेंशन के ऑलमोस्ट यू टच द लाइन. हाउ डू यू कम अप विद दैट? क्या व्हाट्स द प्रिपरेशन लाइक? आई बिलीव द जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस टीम का दैट इज एक्सपीरियंस. लाइक वी आर टुगेदर सिंस 10-12 इयर्स एंड इट्स नॉट अ यू नो बहुत छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है. सो वी हैव दैट ट्रस्ट एक दूसरे में कि हम लोग जो भी करते हैं चीजें हम लोग को पता है अगर कोई बहुत ऊपर किसी को थ्रो किया तो लैंड करेगा या तो फिर कोई कैच करेगा. सो वी हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड वी हैव दैट बॉन्ड विद ईच अदर कि हम लोग को ट्रस्ट है कि हम जो भी चीज करने वाले हैं, जो भी हम लोग हमारी कोरियोग्राफी में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होगा. सो वी हैव दैट ट्रस्ट, इसीलिए ये सारी चीजें होती है. क्या ये प्लान था कि बॉलीवुड सॉन्ग्स हम इंक्लूड करेंगे एट अ वर्ल्ड स्टेज, व्हिच इज अ ह्यूज थिंग फॉर इंडिया? यस ऑफ कोर्स. थैंक ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग दैट. तो क्या ये प्लान था? यस ऑफ कोर्स बिकॉज वी एज अ किंग्स वी बिलीव दैट इट्स नॉट ओनली माय थॉट बट पूरा कलेक्टिव थॉट है ये कि वी बिलीव दैट इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री सो देयर हैज टू बी सम एलिमेंट दैट एक्चुअली रिलेट्स टू आवर कंट्री. तो हम लोग इसीलिए हमेशा इट्स नॉट ओनली अबाउट म्यूजिक ऑल्सो अबाउट डांसिंग. हम लोग डांस में भी हमारे बहुत सारे इंडियन कल्चर, बॉलीवुड मूव्स, बॉलीवुड थुमका, टॉलीवुड डांसिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं क्योंकि हम लोग को ये पता था कि अगर हम लोग कुछ अचीव करके जब वापस आएंगे और जब हमारे इंडियंस देखेंगे सो दे शुड कनेक्ट कि ये अपने इंडियंस हैं. सो दैट्स वॉट आर प्लान वॉज कि हम लोग जब अगर सक्सेसफुल हो गए हम अचीव करेंगे सो इंडियंस को वो कनेक्ट होना चाहिए कि हमारा कल्चर यूज़ करके, हमारे सॉन्ग यूज़ करके हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन जीत सकते. सारे डांस कैटेगरीज आते हैं तो ये दुनिया के बेस्ट डांसर्स है जो ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज से सिलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग जगह से वो आते हैं एक स्टेज पर. सो हम लोग जो पहले परफॉर्म करने वाले थे ऑफकोर्स हम लोग थोड़े से नर्वस थे कि पता नहीं कौन कैसा डांसर है, कौन कहाँ से है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है. बट या आफ्टर आर फर्स्ट परफॉर्मेंस चीजें बदल गई एंड वी वेयर द किंग. बहुत अच्छा लग रहा है, हम सेलिब्रेशन के मोड में तो सेलिब्रेट करेंगे. Of course, Cavalry is the launch. We would like to thank you all for calling us here. And हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है कि सिर्फ ये हमारी विक्ट्री नहीं है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. आप लोगों ने इसको इम्पोर्टेंस दिया, इसको वैल्यू दिया. सो वी आर रियली थैंक यू. थैंक यू फॉर दैट. हम लोग को आ चुके, अप्रोच कर चुके हैं लोग मूवी के लिए, सिर्फ बॉलीवुड से ही नहीं हॉलीवुड से भी. सो वी होप इस स्टोरी पर भी मूवी बनेगी. क्या होगी
हैं कि बेस्ट सर्विस मिले, किसी भी कस्टमर को दिक्कत ना हो, लेडीज की सेफ्टी हो, सबसे मेन चीज, और कुछ नहीं। सर मुंबई में आओगे, मुंबई बहुत बड़ी है, कहाँ 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 आप जाते हैं कि आपका ब्रांच हो? सर हम लोग ऑल ओवर जाते हैं बॉम्बे में, तो फिलहाल अब तो एक सेंट्रल में ओपन है, हम लोग टाउन में सोच रहे हैं, वेस्टर्न में सोच रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं, अगर आने वाले टाइम में अगर अच्छा हुआ तो अब्रॉड में भी खोलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं दुबई से स्टार्ट करेंगे। और आज गेस्ट की बात करें तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप दोनों? गेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस टाइम पार्टी चल रही है? सर गेस्ट आते हैं हमेशा, बट हम लोग ये जो चीज़ आज जो हमने किया है जैसा किंग्स यूनाइटेड बुला के, ये ऐसा चीज़ है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको सब हमेशा देखने नहीं मिलता कहीं ना कहीं पे, तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी टैलेंटेड है, जैसा हमने पहले भी ऋषि के साथ मैंने बात किया था, इंडिया में जो भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे ये हो गई या जो नए नए डीजेज आ रहे हैं, हम लोग वो भी उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, उनको भी प्ले करके, तो ये गेस्ट को यहाँ से ईजी से देखने मिलता है कि कुछ ना कुछ तो नया हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं। सर आप इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? सर जरूर, अगर ऐसा होगा तो आगे आगे के टाइम में हम लोग जरूर बुलाएंगे उनको भी। अभी तो हमारे साथ एक सर क्रिकेटर है यहाँ, राजस्थान रॉयल की टीम से शशांक यहाँ पर है, अभी अभी उनका आईपीएल सीजन खत्म हुआ है। सो हमेशा इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, लेकिन पार्टी तो हर कोई करता है अपने स्टाइल में। आज आप कोई भी ट्रांसिट में देखेंगे, ट्रेन या बस, सब लोग अपने कान में ईयरफोन्स या सब लोग अपने फोन पे होते हैं। ऐसी एक जगह है जहाँ पे लोग खुल के डांस करते हैं। द ओनली कैवलरी का मैसेज यही है कि अगर कोई यहाँ से बाहर जाता है तो वो घर जाके ये बोलेंगे वापस नेक्स्ट सैटरडे को हम यही पार्टी करने आएंगे। सो दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज। पार्टी का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आप जब क्रिकेट खेलते हो ग्राउंड पे तो काफ़ी सारा मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल स्ट्रेस से ज़्यादा, तो ये सब जहाँ पे अच्छा म्यूजिक है, अच्छा क्राउड है, लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स है बॉम्बे का, तो काफ़ी क्रीम क्राउड आता है यहाँ पे, आप अपना कुछ फ्रीडम पर डांस कर सकते हो, यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो, तो काफ़ी रिलैक्स रहते हो आप, ये म्यूजिक आपको काफ़ी रिलैक्स करता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता है ग्राउंड पे आपके, यहाँ पे ये स्ट्रेस बस्टर है और इतना अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। पार्टी जो आईपीएल लाइट्स वगैरह होती है वो ऑब्वियसली आफ्टर मैच होती है, तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं रहता है मैच का, अगर हारे हो जीते हो तो ऑब्वियसली ये साल हमारा अच्छा नहीं गया तो हम लोग थोड़ा डिप्रेस मोड में थे, बट ऑब्वियसली पार्टी करना ये होता है कि अपने आप को जाके वहाँ पे फ्रीडम से आप इन्जॉय कर सको, जो आपका जो ग्राउंड पे स्ट्रेस है वो निकाल सको, तो ये सब पार्टी जो म्यूजिक होता है जो डीजे जाके प्ले करते हैं वो काफ़ी अच्छा स्ट्रेस बस्टर होता है। जी हाँ, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वही था जब मुझे अपना रणजी ट्रॉफी कैप मिला रोहित शर्मा से, मैं वनडे जब किया था डेब्यू तो मैंने कैप दिया था, तो काफ़ी बड़ा मोमेंट था बॉम्बे को रिप्रेजेंट करना, तो एक वो मोमेंट था जो मैं अपने लाइफ में चेरिश कर लूँगा, तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। ये मैं आपको बोला मैंने, ये बॉम्बे का मतलब बेस्ट क्लब्स है, मतलब आप किसी के भी पूछते सुनो आप, ये पवई में आई थिंक पवई में तो एक लौता क्लब है जहाँ पे पूरा क्राउड आता है, बट मैं खुद टाउन में रहता हूँ, मैं टाउन से यहाँ पे आया हूँ, आप खुद ही सोचो दैट डज मीन कि ये क्लब में कुछ तो होगा कि कोई बंदा टाउन से आ रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये ऐसा एम्बियंस मैंने देखा नहीं, क्राउड यहाँ का क्रीम है और यहाँ पे आप इन्जॉय कर सकते हो, आपका प्राइवेसी भी रहता है और आप इन्जॉय कर सकते हो, और एक जो अच्छी बात उन्होंने बोली गर्ल्स के लिए कि काफ़ी ये सेफ्टी है, गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ्टी रहती है, रात में 2-3 बजे भी क्लब चलता है तो एटलीस्ट लड़कियाँ सेफ्टी फील करती हैं, जो हमारे इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग ऑल्सो दैट रोहित सर, चेतन सर, वरुण, ये लोग सिर्फ यूथ को पार्टी नहीं कराते, ये लोग कॉर्पोरेट क्राउड भी बुलाते हैं, दे हैव कॉर्पोरेट नाइट्स, तो हर तरीके का जो जेंडर है, हर तरीके का जो क्राउड है, सब लोग कैवलरी में वेलकम है, बिकॉज एवरीबडी हैज समथिंग, तो आईपीएल के लिए कुछ है, वर्ल्ड कप के लिए कुछ है, कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ है, अगर आप देखेंगे ऐसे लोग बोलते हैं कि ट्यूजडे वेडनेसडे में पार्टीज नहीं होती है, आप ट्यूजडे वेडनेसडे एक बार कैवलरी आके देखिए आपको पता है कॉर्पोरेट क्राउड कितना भरा हुआ रहता है। सो बेसिकली अ बिग हैट्स ऑफ एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चेतन सर, रोहित सर एंड वरुण, दे बीन रियली हार्ड वर्किंग टू पुट दिस अप टुगेदर, द होल टीम ऑफ हार्डी बॉयज इनफैक्ट। सो द मैसेज इज दैट ओनली दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट पार्टिंग, इट्स अबाउट हैविंग अ गुड टाइम, मेकिंग सम मेमोरीज, गोइंग टू अ सेफ प्लेस एंड कमिंग बैक होम। सर एक क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, कि फॉर्मेट बहुत तरीके से चेंज हो गया है, 50 ओवर का था पहले, उसके बाद अभी वो बहुत कमी से हो रहा है मैच, टेस्ट मैचेस होते थे वो तो बिल्कुल ही खत्म ही हो गया, बट अभी फॉर्मेट नए नए और भी आने वाले हैं, तो आप इसको कितना चेंज देख रहे हैं अभी इस टाइम पे? ऑब्वियसली फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं और मेनली क्राउड के लिए हो रहा है, अभी T10 भी आया, इंग्लैंड में T10 लॉन्च हुआ है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा है फॉर्मेट क्योंकि इसमें एंजॉय करते हैं, बट जो मेन फॉर्मेट हमारा टेस्ट क्रिकेट है, आई थिंक अभी नेक्स्ट 2 साल में आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप होगा टेस्ट क्रिकेट का, तो जो मेन रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो तो है ही वहाँ पे, उसके लिए ICC पूरा ट्राई कर रहा है, BCCI ट्राई कर रहा है, जो मैचेस होते हैं हम लोग के टेस्ट मैचेस में क्राउड भी अच्छा आ रहा है, तो आई मीन T10 आएगा, T5 आएगा, कितने नए टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, कुछ में 15 लोग खेलते हैं, पहले
बेस्ट तो टेस्ट क्रिकेट ही है बिकॉज ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर क्रिकेट होता है. पांच जब खेलते हो तो उसमें 15 सेशंस होते हैं, हर सेशन जीतना पड़ता है आपको, हर ढाई घंटे जीतना पड़ता है आपको. तो सबसे मोस्ट मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग टास्क वही होता है, तो टेस्ट क्रिकेट आई थिंक सबसे अच्छा. तो सबसे हार्ड वर्क क्या रहा आपकी, मतलब टीम अभी ज्वाइन किया आपने तो उसमें क्या लगा कि आपको हार्ड वर्क से क्या हार्ड वर्क होता है? फिटनेस ही आजकल मेन फिटनेस है, क्योंकि आप इतनी गर्मी में खेलते हो, 20 ओवर इतना फास्ट गेम है, तो फिटनेस और पावर सही होता है. तो आई थिंक फिटनेस इज द मेन थिंग कि वो सबसे डिफिकल्ट होता है. लेकिन एक्चुअली बिफोर वी गो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू, आप लोग यहां पर आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड कवरिंग दिस. महिला सुरक्षा की बात सब लोग करते हैं, आपने स्पेशल क्या करा सुरक्षा के लिए? सो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो क्राउड आता है वो क्राउड ऐसा आता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का कि किस क्राउड को अंदर लाना है किस क्राउड को नहीं लाना है, वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो हार्डी बॉय सिक्योरिटी के साथ मैनेज करती है, वो बहुत सिलेक्टेड होता है कि सबको या किसी को भी एंट्री नहीं मिलती गेस्ट लिस्ट पे. आप देखेंगे अगर अंदर यहाँ पर ऐसा कोई क्राउड नहीं है जो शायद नशे में आके कोई ऐसी हरकत कर लेगा या कोई भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील कराएगा. सो जो हम लोग डांस फ्लोर में स्टैक को अलाउड भी नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए जो गेट पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑल क्रेडिट सिक्योरिटी स्टाफ और हार्डी बॉयज पे जाता है. पहुंचने के लिए बहुत अच्छी लिंक की जरूरत होती है. अगर वरुण मेरा दोस्त है तो ऐसा ये मतलब नहीं कि मैं किसी को भी वरुण का नंबर दे दूं और बोलूं कि ऋषि ने बोला है कि जा, वैसा नहीं होता है. किसी की अच्छी पहचान हो चाहिए, भरोसा होना चाहिए, तभी होता है. हम पहले उसका पूरा प्रोफाइल चेक करते हैं, उसके बाद ही अंदर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी आती है. हम सिर्फ यंग जनरेशन नहीं, कॉर्पोरेट बाद में फैमिली, ऐसे पूरा क्राउड अंदर देते हैं, किसी को भी एंट्री इतना इजीली नहीं मिल जाता. सब बहुत नीचे से ऊपर आया, बहुत मेहनत की. इतना कुछ है बोलने के लिए कि बोल देना फुटेज कम पड़ जाएगा. हाँ, इतना कुछ है बोलने के लिए, हमारा कैमरा ऑन है. इतना कुछ है बोलने के लिए कि बहुत नीचे से ऊपर आया, बहुत मेहनत करके आया. जो डेली हम लोग का रूटीन रहता है, जो एक दूसरे को मिलकर लेकर चलना, एक दूसरे को समझ कर चलना, यही हमारा मेन चीज है. और ये टीम बहुत मेहनत करती है हमारे लिए, हमारी कैवलरी के लिए. और सबसे बड़ा सपोर्ट हमको हमारे कैवलरी का है और मेरे प्रमोद भाई का है, वेरोनिका, डीजे वेरोनिका आपके साथ है. सर क्या कहेंगे आप, मैडम आप क्या कहेंगे? नथिंग, हमारी भाई की कंपनी है, इसको हम लोगों ने बहुत छोटे से स्टार्ट करते हुए आज यहाँ पे देखा है. और अगर बॉम्बे की इवेंट इंडस्ट्री में भले वो क्लबिंग हो या प्राइवेट इवेंट कंपनी, जो आज के दौर में आर्टिस्ट भी ट्रस्ट कर सकता है, कंज्यूमर जो आता है वो भी ट्रस्ट कर सकता है, वो है वरुण की कंपनी. वो हार्डी बॉयज है और वरुण बारुण और पूरी टीम है इनफैक्ट हमारी. और टीम वर्क ही सबसे बड़ी चीज है, अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पूरी टीम अगर साथ में हो तो जैसे किंग्स यूनाइटेड ने किया है वो पूरी टीम कर सकती है. वो एक आदमी का काम नहीं, एक टीम का काम. हमेशा हमारे साथ रहते हैं हर बुरे टाइम पे. और आई एम अ डीजे बेसिकली, और मैं वरुण के लिए हमेशा परफॉर्म करते हैं मेरे लिए, और ये हमेशा सपोर्ट के लिए रहते हैं. हम दोनों, ये इनके फियांसी है, बहुत हमारे लिए ये हमारे लिए एज अ डीजे नहीं है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारी फैमिली, यही मेरी टीम है, यही सब कुछ है मेरा. आपने कुछ खाया? अभी खाना चालू कर रहा हूँ.